लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, आज उसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। आज हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ करेंगे। तो एक बार रिकैप करते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्स लॉ हमें बताता है दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन के बारे में, भले वो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, वो कितने फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ये चीजें जो हमने पढ़ी थी कूलम्स लॉ में। फॉर्मूला क्या था फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला आया था हमारे पास एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्यू वन क्यू टू क्या थे? चार्जेस थे दो जिनके बीच में फोर्स लग रही थी। दो चार्जेस थे क्यू वन क्यू टू जिनके बीच में फोर्स लग रहे थे। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये जो डिस्टेंस होता है आर जो होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, हमें ये जो डिस्टेंस लेना होता है, ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेना होता है। मीन्स इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने क्या देखा था? और हमने ये देखा था कि ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स अप्लाई होता है, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होता है। जो सेंटर्स को लाइन जोड़ रही होती है उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है। सपोज यहाँ पे ये लाइन जो है दोनों सेंटर्स को कंबाइन कर रही है, तो जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। मीन्स इधर उधर नहीं लगेगा, इधर फोर्स नहीं लग सकता, ये इसी लाइन के अलोंग लगता है। फोर्स जो है वो उसी लाइन के अलोंग लगता है जो लाइन दोनों चार्जेस के सेंटर को आपस में कंबाइन कर रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो कूलम्स लॉ में हमें जो फोर्स मिलता है, जो हमें एफ मिलता है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस के होता है। जिस तरफ दोनों चार्जेस का सेंटर जो लाइन जोड़ती है उसी लाइन के अलोंग जो है वो डायरेक्शन होती है हमेशा फोर्स की। तो इसी बात के कारण हमें वेक्टर फॉर्म पढ़नी पड़ती है कूलम्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा बोर्ड वाले जो है इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जरूरत क्या थी ये पढ़ने की? हमें एक स्टेटमेंट जो है कूलम्स लॉ में कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस होती है, उसी स्टेटमेंट के कारण हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। क्योंकि वो ये कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा इन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ चार्जेस होते हैं। तो शुरू देखते हैं कूलम्स लॉ में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में क्या कहती है। सपोज हमारे पास टू चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू, ठीक है। ओरिजिन ले लेते हैं हम ऑर्डिनेट से। ये हमारा ओरिजिन है, इधर हमारी x एक्सिस होगी, इधर हमारी y एक्सिस होगी। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ये a हो जाएगा, इसे b पॉइंट मान लेते हैं। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस इसके सेंटर का, ठीक है। तो ये जो हमारा OA हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या है? O से A की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा r वेक्टर, r1 वेक्टर मान लेते हैं इसे कि ये r1 वेक्टर, ओके। और OB को मान लेते हैं, OB वेक्टर जो है उसे हम मान लेते हैं r2 वेक्टर। तो ये इनका रिजल्टेंट, इसे सपोज आर वेक्टर मान लेते हैं। ए बी जो है वो हमारा हो गया आर वेक्टर। ये वेक्टर में क्या बताना है? डायरेक्शन, ओ से ए की तरफ, ओ से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। हमने प्लस वन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि दो एंगल दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है जो कि उनका रिजल्टेंट होता है। और उसके लिए हमने क्या लिखा था कि अगर हेड के ऊपर टेल है तो हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना होता है। दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनको हमें ऐसे अरेंज करना होता है
एक का हेड और दूसरे की टेल आपस में ज्वाइन करें, मींस कि हमें वेक्टर ए को तो ऐसे लिखना होगा, बी वेक्टर को ऐसे लिखेंगे ताकि इसकी टेल जो है दूसरे के हेड पे आ जाए। अगर हम दो वेक्टर्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, जो एक की टेल और दूसरे के हेड को आपस में कंबाइन करे, ये इनका रिजल्टेंट होता था। याद है हमने प्लस वन में वेक्टर्स चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं कोई ए और बी, हमको उनको ऐसे अरेंज करना है कि एक वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल आए। तो हमने वेक्टर ए के हेड पे दूसरे वेक्टर बी की टेल रखी है, तो उनका रिजल्टेंट कौन सा होगा, जो एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जुड़ेगा, तो वो उनका रिजल्टेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये कौन सा लॉ था, ये हमारा था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये था हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मींस इन दोनों का सम वेक्टर आर वन प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू होगा रिजल्टेंट कौन सा, इसकी टेल और उसके हेड को कंबाइन करने वाला मींस की वेक्टर आर टू। ये होगा हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, क्या किया एक वेक्टर सेकेंड वेक्टर, ये तीन वेक्टर दो वेक्टर थे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पे होना चाहिए, तो उनका जो रिजल्टेंट वो वाला होगा जो एक की टेल और दूसरे के हेड को जोड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की हेड पे है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा आर टू वाला। तो आर वन प्लस आर इज इक्वल टू होगा आर टू। यहां से हम बेसिकली हमें निकालना तो यही वाला वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा हमारा आर टू माइनस आर वन। ये आपको याद रखना है, इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां तक हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम फोर्सेस देखते हैं कि क्यू वन पे और क्यू टू पे कितनी फोर्सेस लग रही है, जो कि हमें कूलम्स लॉ बता देगा। तो एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फोर्सेस। जब हम पॉइंट ए पे बात करेंगे ड्यू टू क्यू टू के कारण, तो वो फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये इस तरफ लगेगा। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो एफ वन होगी वन पे, पॉइंट वन पे जो है वो चार्ज लग रहा है ड्यू टू पॉइंट टू के कारण। और इधर क्या हो जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी फिर से, इधर कोई होगा एफ किस पे लग रहा है टू पे, किसके कारण लग रहा है वन के कारण, तो ये हो गया एफ टू वन। अब हमें फोर्सेस की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर लिखने होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, उनका बेसिकली काम ही होता है डायरेक्शन बताने का कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। जब हम ए की बात कर रहे हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लग रहा है, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये डायरेक्शन किधर से है, टू से लेके वन की तरफ, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आर टू से लेके वन की तरफ। ठीक है, ये था जब हम पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज क्यू टू के कारण, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा जो कि टू से लेके वन की तरफ जा रहा है। जब हम बी पे बात करेंगे तो हमारा फोर्स जो है वो किधर को लग रहा है, सिमिलर हमारा जो आर वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, किधर से आ रहा है वन से टू की तरफ आ रहा है, तो इसलिए ये वन टू हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होगा। फोर्स अगर इधर को जा रहा है तो यूनिट वेक्टर भी इधर को जाएगा मींस टू से वन की तरफ जाएगा, फोर्स अगर इधर को आ रहा है तो यूनिट वेक्टर भी इधर को ही जाएगा मींस वन से टू की तरफ पर। फोर्स से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एफ वन टू क्या हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय वेक्टर कौन सा है, वेक्टर है हमारा इसके लिए टू वन,
टू से वन की तरफ यूनिट वेक्टर लिखेंगे साथ में, जो कि हमें बताएगा डायरेक्शन। सिमिलर हमारा एफ टू वन हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय वेक्टर कौन सा होगा इसके लिए, वन से टू की तरफ, तो वन से टू की तरफ साथ में यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो वन टू, वन से टू की तरफ, ये हमारा होगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। इसको